मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, हम नमाज पढ़ने को कोई किसी को मना नहीं कर सकते। अब उनके बारे में ना हमारे मौलवी साहब जानते थे कि कौन है, ये कौन शख्स है। जब उनने वीडियो बनाई जो वायरल हुई था, हमको पता चला है कि ये जो है बीजेपी के बी टीम के आदमी है, जो बोलने में कोई शर्म नहीं है। हम इनसे आग्रह करते हैं कि हमारा संजोली का, खासकर शिमला का, ये माहौल को खराब मत करो। हमारा आपसी जो भाईचारा है, जिस तरीके से हमारी सब प्लेटफॉर्मों में बात हो रही है, हिंदू संगठनों से ही बात हुई है, सनातन वालों से ही बात हुई है कि भाई इसको बैठ के हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने तो खुद पहल की, हमारे मुफ्ती साहब है, मौलवी साहब है, हमने खुद पहल की, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी धन्यवाद किया कि भाई ये बहुत बड़ा इन्होंने पहल की है। ऐसा हो अगर सब लोग सोचें तो बहुत अच्छी बात है। अब हमसे यही आग्रह करते कि भाई तुम हमारा संजोली का माहौल मत खराब करो। हम जो हमारा जो चला सिस्टम, हमने खुद पहल करके जो हटाने को हम तैयार है, और बिल्डिंग का वीडियो दिखा रहे हैं, उनके तो नक्शे पास है, उनको क्या पता कि आगे क्या रूल रेगुलेशन है। जो आगे रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसके 5 मंजिल है, किसी के 4 मंजिल है, वो तो एमसी को परमिशन दी है। और हम तो बोल रहे हैं हमारा तो 2.5-2 मंजिल जो अवैध है उसको हम हटाने को खुद तैयार है, और उसमें उनको मैं बोलता हूँ बाहर के लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हम उनके साथ नहीं है, हम स्वयं, हमने तो खुद लिख के दे दिया है। हम तो प्रशासन से भी आग्रह करें कि हमारे को जल्द से जल्द इसको हटाने को, कोई कानूनी पहलू है इसमें चले है। और कई उन्होंने वकीलों ने भी एप्लीकेशन लगा दी कि हमारी भी सुनाई हो, ऐसा हो वैसा हो, बनी जो जो बातें होनी, तो हम तो खुद हटाने के लिए तैयार है। जो अवैध है हमारा, हमारी जानकारी, हमारे मौलवी साहब थे वहाँ पे, इनकी जानकारी में नहीं था कि कौन है। अब जैसे नॉर्मल लोग आते हैं नमाज पढ़ने, मस्जिद में ये मामला हुआ है तो क्या इसके खिलाफ जो है आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे? हम तो तभी तो हमारे को इमीडिएट आप लोगों का सहयोग लेना पड़ा मीडिया का, कि मीडिया ही तो मैन है हमारे पास, बाकी तो हमने तभी तो ये पहल ली कि हम तो इसका भरपूर खंडन करते, जितना ज्यादा हो सके उससे ज्यादा हम खंडन करते कि आपको बाहर के लोगों को हमारे बारे में थोड़ा होगी शायद एफआई ना। लगभग 12:30-1 बजे के करीब पहुंचे यहाँ पर, और हमें ये नहीं पता था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं, हम तो जानते भी नहीं थे। तो हमें आज इससे जब वीडियो हमने देखी, उनको ये नहीं पता कि भाई यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इन सबके नक्शे पास है। अब हमारी जो मस्जिद है वो जो अवैध जो बनी हुई है, हमने तो इसमें पहले ही कर दिया। हमारी ये मंशा नहीं थी कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचाना, मकसद नहीं था हमारा में कि भाई हम इस वजह से उनको दिखा रहे या उनको ले गए। हमारा, हमें पता ही नहीं था कि भाई वो आए क्यों, उनका मकसद क्या है और किस पार्टी से वो रखते संबंध रखते हैं। तो उन्होंने नमाज पढ़ी वहाँ पे? हाँ, नमाज पढ़ी। हम नमाज के लिए, देखो नमाज हो रही है मस्जिद में, नमाज के लिए किसी को ऐसा मना नहीं कर सकते। जो उन्होंने जो काम किया है उनको यहाँ की, हिमाचल प्रदेश की जो हमारी प्यार मोहब्बत, ये जो यहाँ का माहौल है, उनको यहाँ के इल्म नहीं है, पता नहीं है। मगर जो उन्होंने किया उसका हम बहुत कहने के सख्ताई के साथ खंडन करते हैं। और हम एक और बात अर्ज करना चाहते हैं, कोई भी पार्टी वाला या कोई भी ऐसा व्यक्ति, हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसी इंटरफेयर ना करे। जो हमने फैसला लिया है वो किसी के दबाव में नहीं लिया, हमने मोहब्बत के लिए लिया, प्यार मोहब्बत के लिए। जो सनातनी भाइयों से भी हमारी बातें हो रही हैं आपस में कि हम ये एक मंच पर बैठकर इसको यानी कि सॉल्व करें इस मसले को। नहीं देखो, वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमने तो पहल कर दी है। अब वो तो एमसी का मामला है, जब हमें वो ग्रीन चिट देंगे कि आप ये काम कर सकते हैं तो हम स्वयं तैयार हैं उसके लिए। तो आपको क्या लगता है इस तरह की, लोगों को ये नहीं मालूम कि यहाँ हिमाचल का माहौल कैसा और हम किस तरीके से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। तो हाईकोर्ट में जाने की बात करें तो क्या आप लोग साथ देंगे या उसका खंडन करेंगे? बड़े अफसोस की बात है, हम तो हमें एमसी आज ही वो कह दे, हम तो कल से उसके ऊपर जो हमने एप्लीकेशन दी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम। ऐसी वीडियो जारी होने के बाद क्या आपने अपने स्तर पे भी उनसे बात की? नहीं, हमारे पास नंबर तक नहीं था उनका, हमने बात क्यों करनी थी उनसे, कोई हमारे पास हमारा मकसद ही नहीं समझ में आया। ऐसे बहुत सारे लोग आए मगर जो उन्होंने ये बात कही कि हम क्या हाईकोर्ट जाएंगे या कहाँ जाएंगे, हम तो ये चाहते कि अगर हमें आज ऑर्डर कर दे एमसी, जो वहां से ऑर्डर आएगा हम तो उसको फॉलो करेंगे। भी किसी को मस्जिद के अंदर आज के बाद जो है एंट्री ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे। ठीक, उन्हें कंप्लेंट करेंगे आप? उन्होंने बयान दिया है जो उनके ऊपर कंप्लेंट है उसकी जो है कंप्लेंट हो चुकी है। ठीक, कंप्लेंट और हम समर्थन में हम कंप्लेंट कर दिए क्या? नहीं, हमने नहीं की। जो हमारे और हम आपके पास यहाँ खड़े हैं तो उनकी कंप्लेंट हो चुकी है मगर हम साथ में हैं। अच्छा, आप देखिए जितनी हाइट पे ये मस्जिद है लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। उधर दिखाई, इधर जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। वो आप झंडा लगा हुआ देख, आप बताइए उससे ज्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा?
ये कमाल की बात। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा तो फिर 7,000 जो चिन्हित है फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए PIL हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, सिर्फ मस्जिद पे क्यों नजर देते हैं? ये सवाल पूछने की चीज़ हम पूछेंगे। हम जानते हैं मौलाना के लिए एक ये है माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। इतने कम तादाद है, आबादी आपकी कम है, आप उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो एक फैसला लेना पड़ता है। सरपसंद ताकतें यहां से आवाज उठा रही है सब जगह, उन्हें हम समझते हैं और मुल्क के मुसलमानों को भी समझ लें, लेकिन हम दिल्ली वालों के लिए जिम्मेदारी बनती है कि उनको सपोर्ट करें और हम पूरी तरीके से सपोर्ट करें। आप दिखाई यहाँ पे जो है मौलाना के साथ भी हमने बात की, अभी वक्फ बोर्ड के साथियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि हम इस पर PIL डालेंगे और हम हाईकोर्ट में PIL डालेंगे कि भाई ये अगर मस्जिद की आप इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं ऊपर, तो बाकी जितनी भी यहाँ से जो 4-4.5 मंजिल के ऊपर बनी हुई वो इलीगल क्यों नहीं? उसमें बहुत सारे घर हैं लोगों के, क्या बोलते हैं, होटल्स हैं, ये सारी चीजें, तो इस पर भी देखना पड़ेगा। इसलिए न्याय सबके लिए होना चाहिए, इंसाफ का तकाजा है। मैं कोई गलत संविधान से हट के हम ना कोई बात करते हैं, ना हम यहाँ से इंसाफ के तकाजे के अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं। तो आज संजौली की मस्जिद में आज हम यहाँ मौजूद हैं, बड़ी ख्वाहिश थी हमारी कि भाई यहाँ पहुंचे और बेचैनी भी थी दिलों में इतने दिनों से कि भाई क्या मामला है और इतनी सारी चीजें इसकी वजह से हर जगह मुसलमानों के खिलाफ कॉल दिए जा रहे हैं। ये बड़ा सरकार को भी समझना चाहिए और हम सब उनके साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी तो कुछ समझिए, मोहब्बत की दुकान यहाँ भी तो खुलनी चाहिए। और सरकार ठीक है, अपने प्रशासन अपने फैसले लेते हैं, लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें पूरी तरीके से इनकी सॉलिडरिटी में इनका साथ होना चाहिए और दिल्ली के बड़े वकीलों के साथ इंशाल्लाह हम एक पैनल बना के एक PIL के जरिए से हम काम करेंगे, कानूनी तरीके से काम करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मस्जिद शहीद नहीं होगी और मस्जिद के लिए अच्छे फैसले आएंगे और आप सब साथ में बने रहेंगे इंशाल्लाह। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अकेले लड़ाई को लड़ रहे हैं, फिर आपके साथ इतने लोग हैं, बहुत हिम्मत का काम किया है आपने और बहुत सूझबूझ। अल्लाह ताला इसका आखिरत में आपको देखे, बिल्कुल दुनिया में भी यहाँ से इतनी बात है इंशाल्लाह। तो ये अभी क्या मतलब चंदे जो आ रहे थे जो लोग अपने यहाँ चंदा देते हैं, तो अभी यहाँ से कितने दिनों से बन रहा था? ये 2007 से काम शुरू हुआ मस्जिद का, और जो बेचारे जुमे के दिन नमाजी जाते हैं ज्यादातर चंदा इन्हीं लोगों ने दिया, और जो मैक्सिमम जो सेब खरीदार जो लोग हैं, सेब खरीदार, हाँ जी, वो यहाँ पर